राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जगह जगह सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और महापौर एजाज ढेबर की अगुवाई में जोन नंबर 5 को सैनिटाइज किया गया। संसदीय सचिव ने निगम के काम की सराहना की। महापौर एजाज ढेबर ने बताया है कि आईसीएमआर और WHO से अप्रूव केमिकल से शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना से डरना नहीं, सावधानी से लड़ना है। संसदीय सचिव और महापौर से खास बातचीत की संवाददाता सत्या ने। इस वक्त हमारे संग महापौर एजाज ढेबर है और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ सैनिटाइज करने के निकले हैं, कौन कौन से क्षेत्र को किया गया है? देखिए, पूरी रायपुर राजधानी को सैनिटाइज करने का बीड़ा नगर निगम ने उठाया और जिस प्रकार से नगर निगम और नगर निगम के जनप्रतिनिधि महापौर एजाज ढेबर जी और तमाम लोग, सब अधिकारी, जोन कमिश्नर, स्वास्थ्य अधिकारी, सब लोग मिलकर रायपुर को कैसे COVID-19 से सुरक्षित रखा जाए और कैसे, चाहे सैनिटाइज की बात हो या फॉगिंग करने की बात हो या ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की बात हो या बैक्टीरिया लार्वा को मारने के बात हो, हर काम में तत्परता से खड़े रहने का काम हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब धीरे धीरे हॉटस्पॉट के रूप में अलग अलग एरिया रायपुर राजधानी में चिन्हित होकर निकल रहे हैं, जहाँ पर COVID-19 की जाँच होने के बाद जो कोविड के पेशेंट निकल रहे हैं उसको भी कैसे कंटेनमेंट जोन में बदलना है, वहाँ पर कैसे सैनिटाइज करना है, उसके लिए एक अलग प्लानिंग की जा रही है, जिसको लेकर मुझको ऐसा लगता है कि अब हम कोरोना को रोकने में सफल होंगे और उसके पूरे प्रयास। आज लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और तमाम लोग, अधिकारी, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग सड़क पर निकल कर काम कर रहे हैं। महापौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये जो सैनिटाइज कर रहे हैं, कौन सा केमिकल से सैनिटाइज किया जा रहा है? देखिए, इसमें जो केमिकल जो डला हुआ है वो WHO से अप्रूव्ड है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले भी हम लोग जो 70 वाट किए थे तो इसी केमिकल से किए थे और अभी भी वही केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही क्योंकि रायपुर बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, अब लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, लोग कोरोना को एकदम मजाक में ले रहे हैं, तो मैं रायपुर की जनता से अपील भी करता हूं कि अभी भी आप लोग, जैसे पहले आप लोग ने बहुत सहयोग दिया था रायपुर को, वैसे भी आप लोग को भी सहयोग की जरूरत है। अगर इसकी खाली एक ही इलाज है, आप अपनी खुद की सावधानी रख लें, पूरा शहर अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। आज हम लोग माननीय विधायक जी के नेतृत्व में जोन 5 का पूरा आज हम लोग ने सैनिटाइज किया, अभी 2 जगह और बचा है जहां हम लोग सैनिटाइज करने जाएंगे। पहले जैसे बताया 70 वार्ड का किया है, सैनिटाइज किया गया था, तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला था। वर्तमान में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, तो कहाँ पे चूक हो रही है? नहीं, चूक कहीं नहीं हो रही है। हमने, आप देखे होंगे कि हमने पूरे रायपुर को खाली कर दिया था, खाली एक पेशेंट बच गया था कोरोना, मगर जब से फिर ये मजदूरों को हमने लाना चालू किया तो उन्होंने फिर ये देना चालू किया, फिर धीरे धीरे ये सेकंड स्टेज में आ गया, फिर ये कम्युनिटी स्पीड में आ गया, तो अभी बहुत बड़ा हॉटस्पॉट रायपुर बना हुआ है। इसलिए लेकर हम लोग ने जैसे लॉकडाउन लगा, हम पहले ही सोच लिए थे कि जैसे हमने पहले सैनिटाइज किया था, फिर से हमें रायपुर को सैनिटाइज करना है। इस वक्त इस बार के लॉकडाउन में समय काफी कम है, अभी कितने वार्ड का हो चुका है और कितने वार्ड बाकी है? अभी हमारा तीसरा जोन है, मतलब 21 वार्ड हमने कर चुके हैं, आज हमारा 21 वार्ड पूरा हो जाएगा जहां हम लोग कर चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन हट भी गया तो हम अपने पूरे 70 वार्ड में सैनिटाइज करेंगे। राजधानी रायपुर इन दिनों हॉट स्पॉट बना हुआ है, इस हॉट स्पॉट को खत्म करने, कोरोना के संक्रमण चक्र को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से एक है जिसमें पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग सैंपल जांच में तेजी लाई है, तो वहीं पुलिस विभाग की बात करें तो कड़ाई से शहरों पे, सड़कों पे मुस्तैदी से खड़े और बाहर निकलने वालों पे कार्रवाई कर रही है। तो इस तरह देखना है कि तमाम प्रयासों के बाद रायपुर में कोरोना का संक्रमण रुकता है या नहीं। कैमरामैन से आपके साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। इधर रायगढ़।